हाँ जी स्टूडेंट, चलिए हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मटेरियल करेंगे। तो रात के बज गए हैं 12:44, और होपफुली आप सभी भी पढ़ रहे होंगे और मैं भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अभी आप सबों के लिए। तो चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं, और ये रहा आपका सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है मटीरियल। सर मटेरियल में क्या करना है? सर मटेरियल क्या इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे कि हालांकि मैंने कई बार क्लास में भी डिस्कस किया, अरे बहुत बड़ा हो गया। ठीक है सर, ध्यान से समझिएगा, सिंपल सा टॉपिक है मटेरियल का, जल्दी खत्म हो जाएगा ये। चलिए आगे आते हैं, मटेरियल में क्या इंपॉर्टेंट है सर, क्या इंपॉर्टेंट है? जो इंपॉर्टेंट है देखो मैं वही कर रहा हूँ, बाकी आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से। सबसे पहला, एक्सप्लेन द इलस्ट्रेट और फिर मीनिंग ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ ईओक्यू। ईओक्यू का क्या मतलब है? तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है समझिएगा, जहाँ पे हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट बराबर होता है। जिसने मटेरियल करा होगा ये समझ जाएगा इस मीनिंग को। जहाँ पे सामान को रख रखाव का खर्चा और सामान को मंगवाने का खर्चा बराबर होता है उसे बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सर इसका क्या इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंस ये है कि हमारे वेस्टेज कम हो जाते हैं, हम इतने ही माल को मंगाते हैं जितने की जरूरत होती है। तो सिंपल सी बात है, तो आप सभी को फॉर्मूला पता होगा। आप देखिए यहाँ पे, आप ध्यान से देखिए, तो जहाँ पे कैरिंग कॉस्ट, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन है कैरिंग कॉस्ट की और ये वाली लाइन है ऑर्डरिंग कॉस्ट की। तो एक ईओक्यू किसको बोल रहा है? इस वाले पॉइंट पे जहाँ पे बराबर काट दिया, ठीक है ना? सिंपल सी बात है, आप पढ़िएगा बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब अगला पॉइंट, अगला थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी थ्योरी है, कई बार पूछा जाता है। इनफैक्ट अभी रेगुलर एनुअल मोड वालों का एग्जाम भी हुआ था कॉस्टिंग का, उसमें भी आया हुआ था ये थ्योरी कि एबीसी क्या है। देखिए एबीसी का मतलब आपका कोई इसका फुल फॉर्म नहीं है, इसका नाम ही एबीसी है। तो सर एबीसी का मतलब क्या है? एक इन्वेंट्री सिस्टम को मैनेज करने का, एक कंट्रोल करने का, उसको एबीसी के नाम से हम बोलते हैं। सर इसमें क्या सीखेंगे हम? इसके अंदर हम कैटेगरी वाइज कर देंगे। जैसे मान लेते हैं एबीसी एनालिसिस में, मान लेते हैं आपके घर का एग्जाम्पल लेते हैं, आपके घर में गोल्ड है ना, बोलो है या नहीं है? गोल्ड, गोल्ड है सर, है, बहुत सोना है। सोना नहीं है, बहुत सारा गोल्ड है आपके पास। तो इसका मतलब उसको आपने कहीं तिजोरी में बंद करके रखा होगा। अब क्वांटिटी की बात करें, बताओ 20 किलो है कि 30 किलो है? तो आप बोलोगे क्या मजाक कर रहे हो सर, 20-30 किलो थोड़ी, दो 10-12 तोला तो है हमारे घर में। तो वो 10-12 तोला क्वांटिटी बहुत कम है, लेकिन उसको सेफ्टी आपने ज्यादा दे रखा है। उसके अंदर इन्वेस्टमेंट बताओ कितना लगा है? अगर 10 तोला भी है तो बहुत सारा पैसा लग गया सर इसके अंदर। तो एक तो वो हो गया आपका घर का सामान। दूसरा आपके घर के सामान की बात करते हैं हम, जैसे कि मान लेते हैं आटा, आटा चावल। तो आटा चावल क्या है? बहुत सारा है और सस्ता सामान है, ज्यादा पैसे इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगते और बहुत सारा सामान भी आ जाता है। अब ये मत बोलना महंगाई बढ़ गई है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो उसको आप खुला छोड़ देते हो, इसके ऊपर ताला लगाया कभी आपने? जहाँ चावल रखा हुआ है, आटा रखा हुआ है, सामान रखा हुआ है, सब्जी रखा हुआ है, क्या उसको ताला लगाया? नहीं लगाया सर, उसे ओपन छोड़ दिया। इसके बाद और आ जाते हैं हम, और आ जाते हैं जो घर के अंदर सबसे बेकार, जूते चप्पल। वैसे कॉस्टिंग क्या है, लेकिन ये सस्ते आते हैं, इतने नहीं है, सालों साल चलते हैं, दरवाजे के बाहर ही उतार देते हो आप इसे। अगर इसके अंदर देखा जाए जितना सोना चांदी में पैसे लगाया उसने, जूते चप्पल में लगाओगे तो आप घर भर जाएगा एकदम जूते चप्पल से, तो और कुछ बचेगा ही नहीं आपके घर में। तो आपके देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंस के हिसाब से काम कर रहे हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस वाले आपने तिजोरी में बंद कर दिया, और आप ध्यान दोगे ना तो उसके अंदर ज्यादा पैसा फंसा है आपका। उससे कम इंपॉर्टेंस वाला आपने थोड़ा खुला छोड़ा है, ऐसे भी नहीं कि आप बिल्कुल घर के अंदर आपने आटे चावल को क्या करा है कि एकदम पलट के रख दिया है, ऐसा भी नहीं है। और उससे लेस वाला आप दरवाजे के बाहर जूते चप्पल। तो इसी तरीके से एबीसी के अंदर मटेरियल को रखा गया। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, उसको सेफ रखा जाता है। तो सर देखते हैं इसके अंदर, एबीसी मेथड इन्वेंट्री कंट्रोल मीन्स आपका ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल। इसका एबीसी का फुल फॉर्म ले लो, ऑलवेज एक बेस्ट कंट्रोल होता है, विच मीन द गिविंग द मोर अटेंशन टू दोज आइटम विच आर आपका कॉस्ट, जो कि कॉस्ट लिस्ट में होता है, लेस अटेंशन वहां पे दोज मटेरियल विच आर लार्ज क्वांटिटी में होता है और उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। देखिए सर कहता है कि ए कैटेगरी में प्रीमियम घर का सोना आपका 70% आपका पैसा फंसेगा, लेकिन क्वांटिटी मिलेगी 10% आपको। समझ में आ रहा है ना, 70 पैसा घर का पूरा पैसा लग गया इसमें, लेकिन सामान थोड़ा सा है। बी में 20-20%, देखिए ये परसेंटेज ना हर जगह अलग अलग दे रखा होगा, इसमें अलग है, बुक में अलग है, तो जो भी परसेंटेज आप याद करके जाएंगे अपने हिसाब से बना लीजिएगा। अगला कहता है कि 10% पैसे लगाओ और आपके पास 70% क्वांटिटी आ जाएगा, पैसे थोड़े लगाओ और सामान बहुत सारा आ जाएगा, इस कैटेगरी में बांट देंगे। अब इसका बात करते हैं हम, आपका एक्सपेंशन क्या है?
आपका मटेरियल कॉस्टिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अंदर आपका एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज ये है कि अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका बिजनेस बहुत स्मूथली रन करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, आपका वेस्टेज कम हो जाएगा, इंपॉर्टेंस गुड जो आपके खराब हो जाते थे वो खराब नहीं होंगे, तो यही सारी चीजें इसके एडवांटेज है। डिसएडवांटेज भी पूछा जाता है, सर यहाँ पे लिखा नहीं है। डिसएडवांटेज क्या होता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कॉस्टली होता है। हर जगह जहाँ पे डिसएडवांटेज कॉस्टिंग का आ जाए ना, वहाँ ये वर्ड तो लगा सकते हैं कि ये कॉस्ट टेकिंग है, टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, तो ये सारे हमारे डिसएडवांटेज हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए सर, ABC समझ में आ गया। इसके बाद और क्या करेंगे सर? बिल्कुल, चलिए चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं करने वाला। और अब आ गया हमारा, ये रहा, ये रहा, क्लास में भी कर पाए। व्हाट डू यू मीन बाय द बिन कार्ड एंड स्टोर लेजर। ठीक है सर, बिन कार्ड और स्टोर लेजर क्या होता है? भाई रिकॉर्डिंग हो रहा है नहीं हो रहा चेक करें। जी हो रहा है। तो बिन कार्ड क्या होता है? बिन कार्ड का आप ध्यान दीजिएगा, बिन कार्ड आपने जैसे कि सपोज करिए, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, आपको समझ में आएगा। आप किसी मॉल में जाइएगा ना, तो मॉल में ये मान लेते हैं जार रखा हुआ है, आप समझिएगा ये जार ऐसे रखा हुआ है, और इस जार के अंदर अगर आटा है तो मॉल में आपको देने वाला नहीं होगा, इसके ऊपर कितना किलो लिखा होगा, कितने क्वांटिटी होगा, इसके अंदर ना एक पर्ची डली होती है, यहाँ लिख के डाल देते हैं, है ना, देखा होगा ना, आप उसी से पहचान जाते हैं। तो ये बेसिकली एक कार्ड है जहां पे हमारा क्या है, स्टॉक का डिटेल, मटेरियल का डिटेल, रेट, क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या है, वो सब डाल देते हैं हम लिख के। तो ये जो पर्ची है ना, इसको बोलते हैं, ये जो पर्ची डली है ना, ये पर्ची, इसे बोलेंगे बिन कार्ड। ये पर्ची कहां गया, पर्ची, ये ब्लैंक ले लेते हैं यार, इससे बात नहीं बन रही। चलो ये जो पर्ची है ना, इसे बोला जाएगा बिन कार्ड, ठीक है। तो सर ये वाला काम तो बड़ा आसान सा काम है। अब देखिए बिन कार्ड का नीचे फॉर्मेट भी दे रखा है, क्या होता है इसके अंदर, क्वांटिटी होता है और रिसिप्ट इशू के तरीके से होता है। ये थोड़ा एडवांस लेवल का बना रखा है, पर आप समझिए कि वो पर्ची होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं सर बिन कार्ड कौन बनाएगा, बिन कार्ड किसके लिए जरूरी है, तो आपका सिंपल सा जवाब, मैं सिंपल सा जवाब दूंगा कि बिन कार्ड जो होते हैं ना, लो लेवल के बनते हैं सर। अब स्टोर लेजर क्या है? स्टोर लेजर वो होता है जैसे कि आपके स्कूल के अंदर अटेंडेंस होता है, उसी तरीके से इनका भी रजिस्टर होता है एक, जो कि लीफो फीफो में आप सभी ने किया है, मटेरियल में याद होगा ना, कितने इशू हुए, कितने रिसीव हुए, कितने बैलेंस हुए, तो वो क्या होता है, हमारा स्टोर लेजर होता है। इस स्टोर लेजर के अंदर क्या रहता है कि हमारा जैसे कि लीफो फीफो मेथड स्टोर लेजर है, और इसको अगर बिन कार्ड पहले बनता है, बिन कार्ड के बाद हमारा क्या बनता है, स्टोर लेजर। बाकी मैंने वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने, क्योंकि मेरे को व्हाइट बोर्ड नहीं है जो कि मैं लिख के समझा पाऊँ, तो आप देखिएगा मटेरियल के लास्ट सेकंड लास्ट पार्ट में ना मैंने समझाया हुआ है इसको, आप वहां से भी देख सकते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट, इस बार आया भी था एग्जाम में। सर स्टोर लेजर एक बार पढ़ लेते हैं, चलिए। कहता है बिन कार्ड, बिन कार्ड इट इज अ रिकॉर्ड मटेरियल फॉर ईच मटेरियल, ईच मटेरियल सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं हम, मेंटेन बाय द स्टोर कीपर, इसे भी स्टोर कीपर ही बनाता है, ऑन कार्ड, इसे कार्ड पे बनाता है, नोन एज अ बिन कार्ड। दिस कार्ड इज आपका अटैच बिन, आपका बिन होता है, रैंक होता है, स्लॉट होता है, कुछ भी लोकेशन उसके हिसाब से कर देते हैं। और ये बिन कार्ड वाला सिस्टम ना बड़ा मेडिसिन वाली बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, मेडिसिन वाले ना हर डब्बे पे कुछ ना कुछ लगा के रखते हैं, ये दवाई कौन सी है, दवाई कौन सी है। मैं तो बड़ा कई बार ना देखता हूँ, हैरान हो जाता हूँ यार, ये निकालते कैसे, एक तो डॉक्टर की राइटिंग समझ में नहीं आता, ऊपर से इतनी सारी दवाई में ढूंढ के भी दे देते हैं। तो वो बिन कार्ड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ डब्बे पे चिपका के रखते हैं वो चीजें। अब तो खैर कंप्यूटर से हो गया तब भी पता चल जाता। अब आते हैं स्टोर लेजर सर। स्टोर लेजर इज मेंटेन बाय द आपका कॉस्टिंग डिपार्टमेंट मेंटेन करता है इसको। दिस इज गिवन अकाउंट ईच आइटम स्टोर इंक्लूडिंग द ऑल रिसिप्ट इशू एंड बैलेंस बोथ, सारी चीजें क्वांटिटी वैल्यू सब कुछ बताता है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं सर आगे चलो डिफरेंस यहां से बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो बिन कार्ड रिकॉर्ड इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है, क्वांटिटी 10 किलो है, 20 किलो है, 100 किलो है। स्टोर लेजर के अंदर सर क्वांटिटी भी होता है और वैल्यू भी होता है, कितना वजह बैलेंस, याद आया आपको, इसके अंदर तीन मेथड थे लीफो फीफो और वेटेज। बिन कार्ड कीप बाय द स्टोर कीपर, इसे स्टोर कीपर बनाएगा, और इसे कौन बनाएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बनाता है इसे स्टोर लेजर। आपका एंट्री इन द बिन कार्ड आर मेड बिफोर ट्रांजेक्शन ऑफ रिसिप्ट इशू मटीरियल, कहता है बिन कार्ड में हम पहले एंट्री करते हैं, स्टोर लेजर में हम तब एंट्री कर सकते हैं आफ्टर द ट्रांजेक्शन टेकन इनटू द प्लेस रिसिप्ट और इशू। समझ में आई बात?
तो सिंपल सी बात है, एंट्री बिन कार्ड आर मेड बिफोर द ट्रांजेक्शन रिसिप्ट, पहले बिन कार्ड होता है फिर स्टोर रिजर्व बनता है। तो सर इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। होपफुली आपको सबको समझ में आ रहा है। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब तो करते ही नहीं है जी आप लोग, बिल्कुल भी नहीं करते। पता नहीं कैसे कैसे बच्चे हैं आजकल, बस देखा और फिर सब्सक्राइब नहीं किया। नहीं तो मेरे भी सब्सक्राइबर होते यार, काश मेरे भी सब्सक्राइबर कितने होते। बोलते हैं ना कि मिलियंस में होते हैं लोगों के सब्सक्राइबर, यहाँ तो 10,000 भी नहीं हो रहे। चलो कोई नहीं, अगले पॉइंट पे आते हैं। सर अगले पॉइंट के बाद फिर से रिवीजन कर लेंगे एक बार। अगला पॉइंट क्या है, हाउ द पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम और डिफर फ्रॉम द परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। तो सबसे पहले आप समझिए पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम वो होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि आपका दुकान है, दुकान में आपने क्या करा कि एक हफ्ते माल लेके आए और आपने संडे वाले दिन बैठ के पूरी अकाउंटिंग कर दी, तो उसे बोला जाएगा पीरियोडिक, यानी हफ्ते में एक बार, 4 दिन में एक बार। परपेचुअल के अंदर कैसे होता है, जैसे दुकान में सामान लेके आए, खरीद के आप मार्केट से, आप फटाफट पहले रजिस्टर खोला और उसको आपने लिखने लग गए, तो परपेचुअल वो होता है। सिंपल सी बात है, कुछ समय के बाद सामान को रिकॉर्ड करने को पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम कहते हैं, और एकदम सामान आया उसी टाइम रिकॉर्ड करने को परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ब्रीफली डिस्क्राइब परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, कंटिन्यू स्टॉक टेकिंग, वेयर द एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सारी चीजें बताई हुई है। तो मैंने आपको सिंपल सबका एक्स बता दिया क्या है इसका मतलब। सर चलिए, आपने जो स्टोर लेजर किया हुआ है, आपने लीफो फीफो किया हुआ है, वो पता है किससे किया हुआ है, परपेचुअल से किया हुआ है, क्योंकि जिस जिस डेट पे सामान आ रहा था उस डेट पे करते थे, ठीक है ना। चलिए सर इसको आप पढ़ लीजिएगा, वैसे मैं बता देता हूँ। परपेचुअल में आपका लॉन्ग एंड कॉस्टली वर्क स्टॉक टेकिंग अवॉइड बिफोर क्लोजिंग डाउन ऑफ फैक्ट्री, एनुअल स्टॉक टेकिंग अवॉइडेड, मतलब क्या कहता है, एडवांटेज क्या है परपेचुअल का, मतलब आपका लॉन्ग एंड कॉस्टली होता है ये थोड़ा सा परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, ऑफ स्टॉक टेकिंग इन द अवॉइड द देयर फॉर क्लोजिंग डाउन, मतलब जो हमारे खराब हो रहे हैं उसको इग्नोर किया जाता है। अगर ये पॉइंट आपको समझ में भी नहीं आ रहा, दूसरा पढ़ सकते हैं। डिटेल रिलायबल चेक स्टोर मेंटेन, मतलब कि स्टोर इज मेंटेन रहता है, डिटेल होता है, रिलायबल चेक करते रहते हैं, हमेशा चेक होता रहता है सर, ठीक है ना। इसको आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, आप इंटरनेट पे भी ढूंढ लीजिएगा ना, आपको इजीली मिल जाएगा, इससे इजी लैंग्वेज मिलेगा इंटरनेट पे, तो आप वहां पे ढूंढ लीजिएगा इसको। सर अगला क्वेश्चन आ गया सर। ब्रीफली एक्सप्लेन द कंपेयर फीफो एंड लीफो मेथड्स को एक्सप्लेन करें। ओके सर, लीफो और फीफो क्या होता है? लीफो और फीफो का फुल फॉर्म मैंने नहीं पूछा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे पहले इसके अंदर आप एक्सप्लेन करेंगे कि द क्या कहता है, देखो इसमें पढ़ ही लेते हैं, कहा गया कर्सर ये रहा। दिस मेथड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल इशू आर प्लेस ऑर्डर टू परचेज मेड, यानी जैसे ही आपने परचेज किया उसके अकॉर्डिंग करेंगे, मटेरियल विच आर रिसीव फर्स्ट, जिसको पहले रिसीव किया गया, इशू फर्स्ट, उसको इशू करेंगे, मतलब बासी माल फर्स्ट रिसीव और फर्स्ट बेच देना है, पुराने माल को पहले बेचना है, बासी माल बेचना है एक तरीके से, तो उसे फीफो बोलते हैं, समझ में आया ना, फर्स्ट रिसीव। इसके बाद अगला है लीफो। लीफो को एल से याद रखना, लेटेस्ट, ताजा माल पहले बेचेंगे, बासी बाद में बेचेंगे, इसकी कहानी उल्टी चलती है। फीफो मेथड्स के कुछ यहाँ पे एडवांटेजेस है, आप पढ़ लेना इसके क्या क्या एडवांटेजेस है। सर क्या पढ़ना है इसके अंदर देखो क्या कि जैसे कि बासी माल को पहले बेचने में कौन सा होगा, जैसे दूध वगैरह है, ये इनके लिए होता है, शेफ वगैरह, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि शेफ मेरिट सिस्टम मल्टीपल ये यूज करते हैं, वैल्यूएशन ट्रेंड होता है ये, ज़्यादातर लोग ये करते हैं यूज। फीफो के डिसएडवांटेज क्या है, आपके यहाँ पे कहता है द कैलकुलेशन बिकम आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कैलकुलेशन कॉस्ट टेकिंग होता है, मोर टाइम टेकिंग होता है, ये सब लिख सकते हो, ठीक है ना। लीफो मेथड, सर लीफो मेथड आपने देखो करा हुआ है, इसको बस मैं बताता जा रहा हूँ। लीफो के अंदर क्या है, दिस इज प्लेस टेकन, क्या कहता है, स्टॉक कुड दिस मेथड इज ऑर्डर फीफो, मतलब इसने रिवर्स कह दिया, इसने कहा कि जो फीफो मेथड होता है ना उसी का उल्टा लीफो होता है, ये कह दिया, बट यहाँ पे ये लेटेस्ट पूरा आप बेच दोगे तुरंत। एडवांटेज लाइक फीफो इज सिंपल टू ऑपरेट एंड क्वांटिटी यूजफुल, देखो फीफो लाइक फीफो दिस सिंपल, मतलब फीफो से थोड़ा आसान है कि लीफो नया माल आया भाई बेच, खट्टा खोल जैसे बोलते हैं ना, अरे नया माल आया उसको पहले बेचते जाओ, तो नए माल को बेच रहा है, तो ये है। डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं इसके जी, डिसएडवांटेज में क्या हो सकता है, डिफरेंट जॉब बिकम, डिफिकल्टीज आ सकती है इन सब चीज़ों में,
तो देखिए इसको मैं इसलिए थोड़ा फटाफट से बोल रहा हूँ क्योंकि आप इसे पढ़ सकते हैं, मैं पॉइंट टू पॉइंट आप अपने लैंग्वेज में लिख भी सकते हैं। अगेन आ गया ये हमारा ब्रीफली एक्सप्लेन द फीफो लीफो, तो आगे नहीं करेंगे सर। हाँ एक आता है वेटेड एवरेज प्राइस, एक होता है हमारा वेटेड एवरेज प्राइस और एक होता है सिंपल एवरेज प्राइस। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं बहुत थोड़ा सा। सिंपल एवरेज प्राइस में क्या होता है, हम प्राइस को एवरेज करते हैं सिर्फ, और वेटेड एवरेज प्राइस में क्या करते हैं, हम क्वांटिटी और प्राइस दोनों को एवरेज करते हैं। जैसे वेटेड एवरेज मेथड देखा था ना, तो क्या करते थे, क्वांटिटी टोटल करते थे डिवाइडेड बाय प्राइस कर देते थे। यहाँ पे क्या होता है, सिंपल प्राइस प्राइस को, जैसे कि मान लेते हैं कि 1 तारीख को माल खरीदा 5 रुपए का, बड़ा बहुत बड़ा हो गया। 2 तारीख को माल खरीदा 6 रुपए का, तो हम पता है क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 6 और 5 11, और इसका प्राइस आ जाएगा 5. ओहो 5.5 आ जाएगा। तो ये हो गया प्राइस। क्या मैंने यहाँ पे कहीं पे डिस्कशन किया कि आपका यहाँ पे वेट कितना है, क्वांटिटी कितना है, तो ये प्राइस है, और वेटेड के अंदर क्या रहता है, आपका क्वांटिटी भी लिया जाता है जी। ये बिल्कुल ध्यान से देख लेंगे। और मटेरियल लॉस और स्क्रैप, हाँ बिल्कुल, ये कई बार क्वेश्चन और रेगुलर में भी आया हुआ क्वेश्चन है सर। ये स्क्रैप क्या होता है और वेस्टेज क्या होता है, स्पॉलेज क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। स्क्रैप वो होता है जैसे कि मान लेते हैं कि इसमें एग्जांपल दे रहा है कारपेंटर, कारपेंटर को आपने एक लकड़ी दिया और उससे बोला दरवाजा बनाए, तो सारा लकड़ी एग्जैक्ट यूज नहीं होगा, कुछ टुकड़ा तो बचेगा ना काट पेट के, तो उसे बोला जाता है स्क्रैप। स्क्रैप हमेशा फिजिकल फॉर्म में होता है, ये बिक जाता है हमेशा, हम बेच देते हैं ठीक है ना, इसे बोला जाएगा स्क्रैप। और ऐसे ही वेस्टेज की बात करें तो वेस्टेज हमारा दोनों हो सकता है, आपका फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है, नॉन फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है, इसे बोला जाता है हमारा वेस्टेज। वेस्टेज हमारा बिक भी सकता है और नहीं भी बिक सकता, दोनों चीजें होती है। जैसे कि हमारा अभी एग्जाम्पल भी देख लेंगे। स्पॉयलेज क्या होता है सर, देखो पहले स्क्रैप समझ में आए, वेस्टेज समझ में आए, वेस्टेज का एग्जाम्पल बता दो तो समझ में आ जाएगा। चलिए सर हम देख लेते हैं, स्क्रैप का एग्जाम्पल दे रखा है पीस ऑफ वुड वाइल मेकिंग द फर्नीचर और एट द टाइमिंग इसे बेच सकते हैं ठीक है। वेस्टेज का एग्जाम्पल देख लेते हैं, वेस्टेज का एग्जाम्पल क्या है पहले हम पढ़ लेते हैं। वेस्टेज इज अ टाइप ऑफ लॉस मटीरियल डिफरेंट फ्रॉम द स्क्रैप, ये स्क्रैप से अलग होता है। द सेंस वेयर स्क्रैप इज ऑलवेज फिजिकली प्रेजेंट, स्क्रैप तो हमेशा फिजिकल होता है, वेस्टेज मे और नॉट बी फिजिकली, मतलब हो भी सकता है टुकड़ा और नहीं भी हो सकता है। दिस मीन द वेस्टेज मे बी विजुअल और इनविजुअल, ठीक है सर, मतलब देखा भी जा सकता है नहीं भी। इट मे बी द डिसअपियर फॉर्म ऑफ आपका स्मोक, और आगे कहता है इवेल्युएशन ठीक है सर। वेस्टेज हैज नॉट रियलाइजेबल, यहाँ पे वेस्टेज को बेचा नहीं जा सकता जबकि स्क्रैप को बेचा जा सकता है। वेस्टेज ऑल्सो क्लासीफाई इन टू द नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस में वेस्टेज को क्लासीफाई किया जाता है ठीक है। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज चार्ज टू द कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसे हम कंट्रोलिंग वेस्टेज भी कहते हैं। वेस्टेज रिपोर्ट शुड बी प्रिपेयर पीरियोडिकली, आपका पीरियोडिकली बनाया जाएगा, और एक्सेट्रा सारी बातें बोली गई हैं, तो ध्यान रखिएगा। स्पॉयलेज क्या होता है, जब हमें ऑर्डर मिलता है हम कम क्वांटिटी बना पाते हैं, इसे स्पॉयलेज कहते हैं। स्पॉयलेज में भी डिफाइंड एज द पोर्शन प्रोडक्शन में भी बिलो नॉर्मल क्वांटिटी लेवल, जितना हम बना सकते हैं उससे कम लेवल पे हम प्रोडक्शन करके चल रहे हैं उसे स्पॉयलेज बोला जाएगा। इसको भी हम क्या करते हैं, एबनॉर्मल लॉस मान लेते हैं इसको भी, और इसे ट्रांसफर कर देते हैं कॉस्टिंग पी एंड एल में, तो सर इसे याद करिएगा। और एक आता है हमारा डिफेक्टिव, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिफेक्टिव का मतलब जब माल बना रहे हैं तो उसमें कुछ डिफेक्ट निकल गया, सिंपल सी बात है। जैसे कि डिफेक्टेड मे बी, क्या कहता है, डिफेक्टेड मे बी डिफाइंड एज अ प्रोपोर्शन ऑफ द प्रोडक्शन विच इज बिलो नॉर्मल क्वालिटी, यानी आपका जो क्वालिटी तय किया गया था उससे कम क्वालिटी में बना रहे हैं तो उसे बोला गया जाएगा डिफेक्टिव। इट कैन बी रेक्टिफाई द इनकरिंग कॉस्ट, और इसको कई बार रेक्टिफाई भी कर दिया जाता है। जैसे आप कई बार मान लो खाना खाने गए, खाना खाने बोले भैया मजा नहीं आया, पहले जैसा नहीं है रहा, अब ये मजा नहीं आ रहा, पिछली बार खाया था तो मजा आ गया था आपके चाट पकौड़े के अंदर, आज मजा नहीं आ रहा, बोला अच्छा लाओ दूसरा बना के देते हैं, उसी के अंदर थोड़ा सा तड़का उड़का लगा के फिर दे देगा, बोलेगा अब मजा आ रहा है, हाँ अब मजा आ रहा है। तो डिफेक्टिव क्या होता है, जो कि थोड़ा जितना बनना चाहिए वैसा नहीं बनता और उससे नॉर्मल रहता है ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा आपको। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेगुलर में पूछा गया था, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पढ़ने को, ये भी एबीसी होता है, लेकिन दो वाला एबीसी जो पहले पढ़ा हो दूसरा है। तो देखो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है, ये एक मॉडर्न टेक्निक है, पहले एक ट्रेडिशनल टेक्निक से कॉस्टिंग की जाती थी, लेकिन आजकल मॉडर्न टेक्निक से किया जा रहा है, हर चीज को अच्छे से क्लासीफाई किया जा रहा है।
तो इसलिए उसे एक्टिविटी बेस्ड कोर्स, मतलब जिस एक्टिविटी से है उसको डिपार्टमेंट बांट दिए गए हैं। पहले डिपार्टमेंट नहीं होते थे, आज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग कर दिए गए हैं, सर्विस डिपार्टमेंट अलग कर दिए गए हैं, लेकिन पहले डिपार्टमेंट नहीं होते थे। तो सर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होता है, क्या होता है, एक मॉडर्न अप्रोच है जो कि करा जाता है। चलिए देखिए पढ़ते हैं क्या कहता है। ये कहता है एबीसी इज कॉस्ट, आपका एट्रीब्यूशन कॉस्ट यूनिट ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट रिसीव इन डायरेक्ट एक्टिविटी ऑर्डरिंग सेटअप या फिर अज्यूमिंग क्वालिटी क्वालिटी के बेस पे। इन ट्रेडिशनल सिस्टम कॉस्ट अकाउंटिंग इज प्रोडक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव और ओवरहेड आर एलोकेटेड एंड अपोर्शनड इंडिविजुअल प्रोडक्ट में बांटा जाता था। बट कहता है सच आ अब आपका जो अप्रोच था, जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता था ओवरहेड को, हैज सर्टेन लिमिटेशन, कुछ इसमें लिमिटेशन था पुराने मेथड में, ठीक है ना, इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्यूरेसी ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट सर्विस इन द ऑर्डर। और इसके साथ साथ इसे ट्रेडिशनल अप्रोच भी लिमिटेशन के साथ साथ इसको बनाएगा। तो अब आ गया हमारा क्या, हमारा आ गया एबीसी एनालिसिस, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इस कॉस्टिंग मेथड आइडेंटिफाई द एक्टिविटी द फर्म परफॉर्म देन द असाइन द इनडायरेक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट के अंदर आ गया ये एबीसी सिस्टम, रिकॉग्नाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्टिविटी एंड प्रोडक्ट, उसके बीच में बताता है। तो सिंपल सी बात करें तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होता है, ये हमारा न्यू है, लेटेस्ट है, मॉडर्न टेक्निक है, हर चीज को डिफाइन करके करता है, और जो हमारा पहले ट्रेडिशनल था उसके अंदर नहीं था। क्या था, एबीसी क्लासीफाई फाइव ब्रॉड लेवल के अंदर क्लासीफाई किया जाता है इनटू द क्राइटेरिया, जैसे कि दीज लेवल इंक्लूड द बैच लेवल, एक्टिविटी लेवल, यूनिट लेवल, यूनिट लेवल एक्टिविटी, कस्टमर लेवल एक्टिविटी। तो अलग अलग लेवल पे इसे किया जाता है। सर सिंपल, यहाँ पे हमने देख लिया सिंपल एंड वेटेड एवरेज मेथड के अंदर डिफरेंस, पहले ही मैंने बता दिया था। ठीक है सर, ये चैप्टर भी खत्म होता है, लास्ट चैप्टर बचेगा एक लेबर, लेबर भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट इस चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं, इसमें से काफी क्वेश्चन हमने देखे हैं, तो मेन मेन क्वेश्चन देख लेते हैं सर क्या क्या है, फटाफट से फटाफट से फटाफट 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 और आ जाते हैं, फिर इसको भी कट करके मैं अभी अपलोड कर दूंगा। तो सर काफी बड़ा चैप्टर है वैसे, इसमें और भी चैप्टर कवर हुए हैं, आप जैसे देखोगे इसमें दो, लेकिन बुक के हिसाब से देखो तो काफी सारे चैप्टर कवर हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन सर, ईओक्यू क्या होता है, ईओक्यू वो होता है जहां पे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और सॉरी जहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट बराबर होता है, उसे क्या कहते हैं सर, ईओक्यू बोलते हैं। इसके बाद एबीसी क्या होता है, हम कैटेगरी के हिसाब से स्टॉक को रखते हैं, जहां पे ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, महंगे वाला ए कैटेगरी, उससे थोड़ा सस्ते वाला बी कैटेगरी, और सबसे सस्ता और बेकार जो कि मानते हैं हम, वो सी कैटेगरी में आ जाता है। इसके बाद चलते हैं जी आगे, चलते हैं आगे, हमने क्या पढ़ा था इसके अंदर, बिन कार्ड और स्टोर लेजर आ जाएगा अभी। बिन कार्ड और स्टोर लेजर में क्या डिफरेंस है, बिन कार्ड क्या होता है, एक पर्ची के तरीके से बना के डालते हैं, स्टोर लेजर क्या होता है, ये हमारा जो डिपार्टमेंट करता है, जैसे लीफो फीफो था वो एक स्टोर लेजर था, इसके बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है, जो कि डिफरेंस यहाँ पे गिवन था। बिन कार्ड रिकॉर्ड ओनली क्वांटिटी, और जबकि स्टोर लेजर में क्वांटिटी और वैल्यू दोनों होता है। बिन कार्ड स्टोर कीपर बनाता है, ये डिपार्टमेंट बनाता है, बिन कार्ड पहले किया जाता है, स्टोर की बाद में किया जाता है। अब परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और पीरियोडिक, पीरियोडिक में हम क्या करते हैं, टाइम बेसिस पे कुछ समय के बाद रिकॉर्ड करते हैं, जबकि परपेचुअल के अंदर हम फटाफट से रिकॉर्ड कर देते हैं। चलिए जी इसे रिवाइज कर रहे हैं इसलिए मैं फटाफट बोल रहा हूँ, ऑलरेडी मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ। लीफो फीफो क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फीफो के अंदर बासी माल पहले बेचो, लीफो के अंदर ताजा माल पहले बेचो, इसके मेरिट डिमेरिट आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता आपको, बस कर्क्स बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे इसके अंदर के, हाँ ये थ्योरी भी पढ़ा था। तो ये देखिएगा सिंपल एवरेज प्राइस के अंदर क्या होता है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, सिर्फ प्राइस को टोटल करके दो से डिवाइड कर दिया जाता है। वेट में क्या करते हैं, टोटल जो कॉस्ट होता है उसको हम टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं। ठीक है सर, स्क्रैप क्या होता है, स्क्रैप वो होता है जिसके के फिजिकल फॉर्म में होता है, जिसे हम बेच देते हैं, जैसे मैंने लकड़ी का बोला। वेस्टेज क्या होता है सर, ये आपका इनविजिबल भी होता है, और ये ड्यू टू हमारा क्या होता है, जैसे एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस के तरीके से होता है। स्पॉयलेज क्या होता है, जब हम डिमांड से कम बना देते हैं। डिफेक्टिव क्या होता है, जब नॉर्मल क्वालिटी से हम क्या करते हैं, कम बना देते हैं। ये सब पढ़ लिया था हमने। अब आ जाते हैं एबीसी, एक्टिविटी कॉस्ट क्या है, ये एक मॉडर्न अप्रोच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, नए तरीके से हर चीज को अच्छे से डिफाइन करके करते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच अच्छे, इसके अंदर लेवल कितने हैं, पांच है सर, बैच लेवल और एक्टिविटी यूनिट, और इसके बाद आपका जो भी गिवन है कस्टमर लेवल आपने देख लिया है। तो सर यहाँ पे ये चैप्टर होता है खत्म, इस चैप्टर को भी कट कर देते हैं। उसके बाद हमारा देख लेते हैं तीसरा चैप्टर,
कितने बड़ा है सर, इसमें से भी बहुत कुछ आता है यार, इसके बाद तो ओवरहेड भी है। हाँ एक बज गया, चलो छोटे छोटे चैप्टर जल्दी से रिवाइज कर सकोगे आप, इसे हम स्टॉप कर देते हैं अभी।